टाइम मैनेजमेंट। वेल, टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू तो सभी को पता है। ये स्किल न केवल आपके करियर के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे आप एक बेहतरीन व्यक्ति भी बनते हैं। अगर आप अपना टाइम मैनेज करते हैं तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने खुद पर, ये सभी को टाइम दे पाते हैं और टाइम को मैनेज भी कर पाते हैं। सो समय बचाते हुए मैं आपको 3 टिप्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर दे रहा हूं, जिससे आपका समय सही जगह पर खर्च हो सके। आपकी जिंदगी में जो भी इंस्पिरेशन, वॉक्स, रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ 20% कामों को करने से ही आता है। बाकी के 80% चीजें तो आपके जिंदगी के डिस्ट्रक्शन है। इसे अपने जिंदगी से निकाल दो। जैसे घंटों फोन पर बिताना, इधर चैटिंग उधर चैटिंग, ये वो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो स्टॉप अननेसेसरी थिंग्स इन योर लाइफ एंड अनवांटेड एंटरटेनमेंट्स। सेकेंड है, प्लान थिंग्स अहेड। टू डू लिस्ट बहुत ही जरूरी है। कौन सा काम जरूरी है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठ के और प्लानिंग ही करते रहे। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आपके पास पेन है, नोट्स है, उस पर जल्दी से लिख लीजिए, आज का शेड्यूल बना लीजिए कि कल आपको क्या क्या करना है, और खुद से ये वादा करो कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाए हैं वो कैसे भी करके उसे कंप्लीट करना ही है। थिंग्स टर्न ऑन टाइम। थर्ड वन इज, डोंट प्लान टू डू टू मेनी एक्टिविटीज इन अ डे। एक ही दिन में बहुत सारा काम करने के बारे में मत सोचो। हाँ, अगर वाकई में आपको बहुत सारे काम करने हैं तो ठीक है, आप उसमें से प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और उसको पहले करना है, एंड देन गो अहेड। नहीं तो आपको फैला देगी, आप सोचोगे कि ये काम तो टाइम पर हुआ ही नहीं है, फिर स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। यू हैव टू डू प्रायोरिटी फर्स्ट। जो चीज प्रायोरिटी है उसको पहले करो। और आपके पास नॉट टू डू लिस्ट भी होना चाहिए। टू डू लिस्ट तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही नॉट टू डू लिस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके पास नॉट टू डू लिस्ट भी होना चाहिए कि कल से कौन सा काम है जो मुझे नहीं करना है, कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी है, कौन सी ये बातें हैं जो मेरा समय व्यर्थ गंवाती है। इसलिए जैसे टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नॉट टू डू लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो थिंक ऑन इट अबाउट टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट टू टेक केयर ऑफ योर टाइम। जब आप कामों को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करते जाओगे तो आप टाइम मैनेज करते जाओगे और आप अपने गोल के नजदीक पहुंचते जाओगे। फ्रेंड्स, ये सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे चैनल पर आकर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत